स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। नव वर्ष विक्रमी संवत के उपलक्ष्य में आज सढ़ौरा क्षेत्र में भव्य भगवा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां जोरों से कई दिनों चल रही थी और काफ़ी संख्या में युवा यहां पर सरावां की गोगा मेड़ी परिसर में पहुंच चुके हैं और जलपान यहां पर सरावां टीम द्वारा कराया जा रहा है और काफ़ी संख्या अभी आनी बाकी है। वाहन दो दो दुपहिया वाहनों के ऊपर ही हमारे युवा सवार होंगे। इस वक्त जलपान की सेवा कर रही और काफ़ी संख्या में नौजवान यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। भगवा ध्वजकाओं के साथ साथ जो है अभी कुछ देर के पश्चात काफ़ी संख्या में यहाँ पर युवा इकट्ठे होंगे और उसके बाद ये यात्रा सढ़ौरा की ओर रवानी होगी। वहाँ पर पटवार खाने में श्री कृष्ण मंदिर वहाँ पर भव्य स्वागत विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में यह भगवा यात्रा कुछ ही समय के पश्चात से यहाँ से रवाना होगी। इधर सढ़ौरा में इस यात्रा की स्वागत की व्यापक तैयारियां जोरों पर थी। श्री शिव गणपति सेवा मंडल की महिला संकीर्तन आरती की थालियां लेकर श्री कृष्ण मंदिर में मौजूद हो चुकी थी। साथ ही विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी स्वागत करने के लिए तैयार थे। श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति के तत्वाधान में प्रसाद की सेवा तैयार थी और साथ ही यहाँ पर जल पान की भी व्यवस्था थी और देख सकते हैं आप महिलाएं किस प्रकार से आरती की थाली और पुष्प वर्षा के लिए तैयार है। और उधर आतिशबाजी के साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की यह भगवा यात्रा जो है हमारे सढ़ौरा नगर में प्रवेश करती है धूम धड़ाके के साथ और फिर शुरू होती है पुष्प वर्षा महिलाओं के द्वारा। इस भगवा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में युवा केसरी ध्वज लेकर चल रहे थे। साथ ही यह यात्रा तिरंगे की अगुवाई में आगे बढ़ो फिर आनंद जी आप स्टैंड में क्यों आ रहे हैं? बस स्टैंड करा देंगे, चलो जी आगे बढ़ो। इस भव्य यात्रा के प्रभारी सम्राट पंडित समेत बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के अन्य पदाधिकारियों को यहां पर विभिन्न धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्वरूप भेंट करके सम्मानित किया गया। सबसे पहले ट्रैक्टर निकलेंगे आगे, फिर उसके बाद बाइक, बाइक वाले सभी पीछे रहेंगे ट्रैक्टर के बाद। जितने भी बाइक वाले भाई हैं वो सारे पीछे रहेंगे ट्रैक्टर वालों ट्रैक्टर के बाद, ठीक है जी? पीछे ट्रैक्टर खड़ा है, आगे आ जाओ भाई पीछे। इस भगवा यात्रा में शामिल बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के जिला व प्रांतीय पदाधिकारियों को भी श्री शिव गणपति सेवा मंडल के अध्यक्ष नरेश बख्शी द्वारा सम्मानित कर किया गया। इसके बाद जय श्री राम वंदे मातरम भारत माता के जय घोष लगाते हुए युवा आगे बढ़ने लगे।
इसके बाद यह भगवा यात्रा सढ़ोरा कस्बे में प्रवेश करते हैं। चारों तरफ भगवान श्री राम के जयकारे, भारत माता की जय घोष के साथ पूरा वातावरण राम में बन जाता है। चारों तरफ भगवे ध्वज गाएं जो है वातावरण को और भगवे में बना रही होती हैं। इस यात्रा का जगह जगह पर भव्य स्वागत हुआ। इधर भारत विकास परिषद के जिला सचिव संदीप पुरुथी व साथी अमित बांगा जो कि कोषाध्यक्ष है भारत विकास परिषद के, उनके द्वारा यात्रा में शामिल राम सेवकों का माल्यार्पण करके भव्य स्वागत किया गया। समाज सेवी राहुल देव मोनू द्वारा यात्रा के प्रभारी सम्राट पंडित व हरदीप सिंह को भी जो है सम्मानित किया गया। श्री दुर्गा मंदिर सभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष बॉबी अग्रवाल के नेतृत्व में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई और इधर आतिशबाजी लगातार जारी रही। स्थान स्थान पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाओं के फ्लैक्स भी जो है लगाए गए थे। आप देख सकते हैं श्री शिव गणपति सेवा मंडल की तरफ से भी अध्यक्ष नरेश बख्शी द्वारा राम भक्तों का माल्यार्पण करके भव्य स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं श्री दुर्गा सभा के सदस्यों द्वारा लगातार पुष्प वर्षा की जा रही है। जयकारे वीर बजरंगे हर हर महादेव के नारे, साथ ही एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये राम भक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और लगातार पुष्प वर्षा उन पर हो रही थी। झूमते गाते राम की भक्ति राम की धुन के साथ ये लीन राम भक्त कस्बे के मुख्य बाजार से होती हुई भगवा यात्रा अब सढ़ोरा बस स्टैंड से गुजरकर रेस्ट हाउस की तरफ बढ़ रही है। यहां पर नगर सुधार समिति द्वारा भगवा यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा और साथ ही पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह भी अपनी टीम के साथ भगवा यात्रा का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं और भगवा यात्रा में शामिल सभी श्रद्धालुओं के लिए ठंडे मीठे जल की छबील के रूप में जल की सेवा जो है नगर सुधार समिति के सदस्यों द्वारा विशेषकर राजन अरोड़ा, हिमांशु भसीन, अमित सेतिया, सूरज ओबराय और पूरी टीम के सदस्यों के द्वारा राजेश बख्शी जी और पूरी टीम वहां पर खड़ी हुई आप देख सकते हैं। यह है नगर सुधार समिति की पूरी टीम जो कि ठंडे मीठे जल की सबील, हिमांशु भसीन व उनकी पूरी टीम जो यहाँ पर खड़ी हुई है, उनके अपनी तरफ से फ्लैक्स भी लगाया हुआ है सभी को शुभकामनाएं देते हुए। आप देख सकते हैं ठंडे मीठे जल की सबील तैयार हैं राम भक्तों के लिए, साथ में अजय कुमार, अविनाश कालड़ा जी और नरेश बख्शी जी, पूरी टीम यहाँ पर खड़ी हुई है। ठीक है जी।
राहुल जी नारायणगढ़ से, भानु प्रताप जी, भानु गुरमीत जी, हेलो सीएम जी, मेहमदपुर से गुरमीत जी, दिनेश ठस्का से दिनेश जी, और राहुल देव मोनू जी को भी हम सम्मान करना चाह रहे हैं। राहुल जी, राधे श्याम जी, आप करो बड़े से अपना वाहन तैयार कर रहे हैं। मोनू जी का सम्मान, सम्राट जी की तरफ से हमारे यात्रा के प्रभारी हैं सम्राट पंडित जी, हमारे भजरंग के प्रखंड संयोजक के बहुत बहुत धन्यवाद। मनोजी जी, अब आपके भारी है, भूमि हो सकती आपके भारी है। दिनेश जी, रणबीर जी गोरक्षा दल से, रणबीर सिंह जी, लेखराज जी गोरक्षा दल, प्रदीप जी आगे आ जाओ सभी, अनीश जी आगे आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ, श्री अनीश जी, प्रदीप जी मलिकपुर से, राहुल जी नारायणगढ़ से, भानु प्रताप जी नैब सिंह जी सतनाम जी, अनीश जी इधर आप सभी भगतजनों का हार्दिक अभिनंदन। हमारी जिला टोली आई हुई है, आप सभी का अभिनंदन। श्री राम भक्तों का बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी महाराज। आनंद जी गोरक्षा दल से सभी प्रसाद लेकर ही आगे बढ़ेंगे और बहुत अनुशासन में ढंग से श्री राम भक्तों की टोली अब आगे बढ़ने जा रही। बोले जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय
धन्यवाद आभार व्यक्त करें आज के प्रोग्राम के सभी प्रोग्राम के बारे में और बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए मैं सभी सहयोग करता और सभी प्रोग्राम में आज शामिल हुए सभी नाम बच्चों का अभिनंदन करता हूँ। पांच करता हूँ जय श्री राम। सम्मान तो खत्म ना है जी। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के विभिन्न पदाधिकारियों एवं पूर्व विधायक बलवंत सिंह को सम्मानित करने के पश्चात SHO सतीश कुमार को भी आयोजकों द्वारा स्वरूपा भेंट करके सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को भी आयोजकों द्वारा सम्मानित किया गया। नुगर सुधार समिति के सूरज बराई जी SHO सतीश कुमार जी को सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद भगवा यात्रा का यह जत्था, एक विशाल जत्था, कोटला रोड की तरफ से समैलपुर गांव की तरफ जो है रवाना हो जाता है। काफी संख्या में युवा इस जत्थे में शामिल और ये जत्था अब समैलपुर के लिए रवाना, वहां पर समैलपुर की टीम पूरा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी है। वहां पर भी जलपान की व्यवस्था इनकी टीम के द्वारा की गई है। कुछ दूर चलने के पश्चात यह जत्था अब समैलपुर गांव में प्रवेश कर गया है। समैलपुर के अंदर भी काफी अच्छी टीम है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की। विभिन्न प्रकार के सामाजिक व धार्मिक आयोजन इनकी टीम के द्वारा इस समय समय पर गांव में कराया जाए। ये देख सकते हैं कि पूरे राम भक्तों के लिए जल जीरे का प्रसाद यहां पर वितरित किया जा रहा है टीम के द्वारा और सभी प्रसाद बहुत उत्साह व श्रद्धा के साथ ग्रहण कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की एक अच्छी खासी टीम गांव सुमैलपुर में सक्रिय जो है भूमिका में है और काफी सदस्य इस जत्थे में भी इस टीम के शामिल हैं। गांव सुमैलपुर से के पश्चात अब यह जत्था जो है अगले पड़ाव की तरफ रवाना होगा। मिर्जापुर से घूमते हुए गांव ठसका, झंडा, निजामपुर, पम्मूवाला, राजपुर, गलोड़ी, रसूलपुर, असगरपुर से गुजरते हुए इसके बाद यह जत्था जो है लाहौरपुर जाकर अपनी यात्रा का समापन करेगा और एक भगवमय माहौल जो इलाके में प्रदर्शित हुआ है यह लाहौरपुर जाकर संपन्न होगा और एक अच्छा खासा संदेश इस यात्रा के माध्यम से कि अपना नववर्ष कब से है। हम पाश्चात्य नववर्ष 31 दिसंबर को खूब धूमधाम से मनाते हैं। साथ मौजूद हैं इस यात्रा के प्रभारी सम्राट पंडित जी जो कि बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं। जानना चाहेंगे आज क्या प्रोग्राम था ये। जय श्री राम जी। जय। सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश वासियों, छटौरा नगर वासियों, शहर वासियों को नए साल पे छत्रपति बजाबी नववर्ष और नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हमने नववर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग और एवं बजरंग दल ने एक शोभा यात्रा रखी है जो सरावे से चल के वाया समैलपुर, मिर्जापुर, ठसका, झंडा, निजामपुर और लाहौरपुर तक रखी है। तो हमें मतलब हर तरह से अपने हिंदू भाइयों का समर्थन मिला है और हमारी छटौरा से सामाजिक संस्थाओं ने भी हमारा खुलकर स्वागत किया है, पुष्प वर्षा की है और छबील से मतलब हमारे लड़कों का स्वागत किया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमें पता ही नहीं है कि
आप देख सकते हैं कि एक सफल भव्य भगवा यात्रा जो कि सड़ोरा इलाके में भगवा में माहौल राम में माहौल बनाने में सफल रही। एक अच्छा खासा संदेश अपने नव वर्ष अपने हिंदू संस्कृति के अनुरूप अपना नया साल कब होता है उसको बताने में कामयाब रही। और इसी प्रकार से ये जत्था जो है अब लाड़पुर जाकर संपन्न हुआ। जिस हेतु से इस आज ये भगवा यात्रा निकाली गई थी वो उद्देश्य वो हेतु 100% सफल रहा, तो इसके लिए बधाई के पात्र हैं इस यात्रा के प्रभारी सम्राट पंडित सागर मित्तल हरदीप व पूरी टीम जिन्होंने भी इस यात्रा में अपना पूरा सहयोग दिया, और साथ ही समस्त सामाजिक धार्मिक संस्थाओं जिन्होंने इसकी अगवानी की, भव्य स्वागत किया, नगर सुधार समिति एवं श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति, भारत विकास परिषद नगर खेड़ा, त्रिवेणी नगर खेड़ा समिति, श्री सनातन धर्म सभा, श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति और अनेकों अन्य धार्मिक संस्थाएं जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने में इनका भव्य स्वागत किया।